हाँ बेटा, मैं कह रही थी ये विटी बॉक्स की वीडियोस देखने के लिए ना सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबाना मत भूलना। बुरा मत मानना, लेकिन आजकल मोहल्ले वाले ना बड़ी सारी बातें बना रहे हैं। वो पिंकी आजकल रोज शाम को ना पार्क में किसी लड़के के साथ घूमती है जी। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मतलब देख लो क्या करना है आपको। कौन बोल रहा था मोहल्ले में? नहीं, हम भी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं, हमें तो पता नहीं चलता कुछ। नहीं, कोई नाम भी तो होगा ना, किसने बोला तेरे को? नहीं पता ना नाम, क्योंकि बल्ले वाले तो बाद में बोलेंगे। पहले हमारे घर में यार शूट रखा तो बैठ के बकवास करके। नहीं, मैं ऐसी मेरे बच्चों के बारे में तूने एक बकवास भी करी ना सुनीला, एक बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। लिख ले तू बाद मुझसे, और ना तुझे अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने रामू को जाके दे। जिस दिन मैंने बता दू ना तेरे रामू की हरकतें, रोती फिरेगी पूरे घर में। लड़की आती है यहाँ पर, लाइन लगी रहती है सारा दिन लड़कियों की, कभी पेन कॉपी पेंसिल बटन चप्पल जूते मांगने के बारे में हमने कभी कुछ बोला? हमने दिल टोका कि नहीं भाई, फ्रेंड्स है, बच्चे साथ में पढ़ते हैं, खुले दिमाग के हैं, हम भी कोएड स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर नहीं, तुम्हारी तो सोच ही छोटी है ना, और भाई तेरा बेटा तो बड़ा ही संस्कारी है, नहीं रोज मंदिर जाता है, पता नहीं जेल से रोज माचे से क्यों निकल रही है, ऐसा क्या काम होता है? हम सो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हम मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे पीछे क्या हो रहा है। तेरा बेटा रात को कितने कितने बजे रोज आता है मुझे अच्छे से पता, तो तू मेरे को मुंह लगी हो मत। और वैसे भी मैं तो क्या ही हूँ, ये घर अब लेने लायक बचा नहीं है, सुख शांति रहेगी, अलग अलग रहो, अपना बंटवारा कर लो। आगे जाए पीटी के बाप को, मेरे बाप को भी ले लेना।